हेलो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। तो सिंपल माइक्रोस्कोप किस काम आता है, आपको पता होगा किस काम आता है ये। इट इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आपने लाइक ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। तो देखो, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये जो लिखा हुआ है मैग्नीफाइंग ग्लास, तो देखो इसको ये मैग्नीफाइड करके दिखा रहा है, बड़ा करके दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करेगा। ठीक है, देखो इसको ये बड़ा करके दिखा रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी हम इसको कहते हैं, और सिंपल माइक्रोस्कोप में हम इसको यूज़ करते हैं। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्या ये कॉन्वेक्स लेंस है, किनारों से पतला और बीच में से क्या होता है, ये मोटा होता है। तो इसी को हम यूज़ करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी छोटे ऑब्जेक्ट्स को लार्ज देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, स्मॉल फोकल लेंथ है इसकी, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो किस टाइप से ये हमारा ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग करके दिखाएगा, इसकी मैग्नीफाइंग पावर भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका फोकस हो गया इधर की तरफ, और इधर की तरफ ये इसका फोकस हो गया। हमने लेट किया कि एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, ये ए और ये बी। तो जो भी रे हमारी पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है, आपको पता है। और जो भी रे हम ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं वो सीधी चली जाती है। अब इधर तो ये दोनों रेज मीट नहीं करेंगी, तो हम इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो अगर इनको मैं पीछे की तरफ ड्रॉ करता हूँ तो ऐसे अप्रोक्स इधर और ये अप्रोक्स इधर, तो यहाँ पर ये रेज हमारी मीट होंगी, यहाँ पर इसकी इमेज हमारी बनेगी, जिसको मैं ए डैस और बी डैस नेम दे सकता हूँ। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था ए बी, इसकी कितनी बड़ी इमेज हमारी बनी यहाँ पर, कैसी इमेज बनी है, ये वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है। ठीक है, और मैग्नीफाइड इमेज बनी है, बड़ी इमेज बनी है। तो कैसे करके छोटे ऑब्जेक्ट को ये बड़ा करके दिखाता है। अब हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ तो एम से हम इसको डिनोट करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। देखो इमेज यहाँ है, तो मान लेते हैं इस ऑप्टिकल सेंटर सी के साथ ये एंगल बना रहा है हमारा बीटा। ठीक है, किस किस का रेशियो है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट when both are placed at least distance of distinct vision। यानी अगर ये ए बी यहाँ पर है, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये दोनों least distance of distinct vision पर हो जाएंगे। तो ये जो इसके साथ एंगल बनाएगा अब ऑब्जेक्ट, इसको मान लिया हमने अल्फा। डेफिनेशन क्या कहती है, रेशियो होता है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब दोनों कहां पर हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हो, यानी बीटा अपॉन अल्फा का ये क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। एज एंगल्स हमारे स्मॉल हैं, तो बीटा को लगभग मैं 10 बीटा लेट कर सकता हूँ, और अल्फा को 10 अल्फा लेट कर सकते हैं, क्योंकि एंगल्स हमारे स्मॉल हैं। अब मुझे 10 बीटा चाहिए और 10 अल्फा चाहिए, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ फ्रॉम ट्राइंगल
ए बी सी से बीटा निकालो। अगर मैं यहाँ से टेन बीटा निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या लिख देंगे, ए बी अपॉन बी सी। सिमिलरली हम यूज़ कर लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए वन ये रहा, बी डैश ये रहा और सी। यहाँ से अगर मैं टेन अल्फा निकाल लूँ तो परपेंडिकुलर ये है, यानी ए वन बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, बी डैश सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं मैग्नीफिकेशन में यहाँ पर पुट करता हूँ, नाउ इक्वेशन वन। अच्छा, इसको एक चीज़ लिख सकते हैं, ए वन बी डैश लगभग लगभग ए बी के इक्वल है, ए वन बी डैश ए बी के इक्वल है, तो इसको मैं ए बी अपॉन बी डैश सी लिख सकता हूँ, है ना। जितना ए बी है उतना ही हमारे पास ए वन बी डैश है। तो यहाँ से इक्वेशन वन में मैग्नीफाइंग पावर अगर निकालता हूँ तो मैग्नीफाइंग पावर m किसके इक्वल होगा, देखो m इज इक्वल टू टेन बीटा, टेन बीटा की वैल्यू क्या है ये, तो पुट कर देते हैं ए बी अपॉन बी सी एंड टेन अल्फा, ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी डैश सी, तो ये कटेगा, बी डैश सी ऊपर चला जाएगा और बी सी नीचे आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर जो निकल के आएगी m, वो क्या होगी, बी डैश सी अपॉन बी सी। अब देखो बी डैश से लेके c या c बी डैश, यहाँ से यहाँ तक क्या हमारे पास v है और यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे पास u है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ है तो माइनस का v हो जाएगा और बी सी लेफ्ट हैंड की तरफ है तो माइनस का u हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कटेगा, मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास आ गया 1/u के इक्वल, क्या आ गया 1/u के इक्वल आ गया, सॉरी v/u के इक्वल आ गया मैग्नीफाइंग पावर। ओके, अब इसमें दो कंडीशंस होती हैं, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, लिख देता हूं, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, और अगर वो इन्फिनिटी पर इमेज बनती है तो क्या होगी। तो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ठीक है, तो आपको पता है फ्रॉम लेंस फॉर्मूले की हम बात करें तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। ठीक है, वी से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी अपॉन वी माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू वी अपॉन एफ हो जाएगा। ये वन माइनस वी अपॉन यू किसके इक्वल है बच्चों, एम के इक्वल, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन एफ। यहाँ से अगर मैं m निकालूँ तो m को इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आएंगे, v बाई एफ हो जाएगी मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, अब ये कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे है, तो अगर ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे है तो यहाँ से यहाँ तक v को हम माइनस d के इक्वल लिख सकते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन की डिस्टेंस। तो एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का d, यहाँ पर प्लेस करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर आ गई हमारे पास 1+d/f। यानी ये मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास आ गई केस फर्स्ट जब हमने लिया, जब इमेज हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है। अब हम डिस्कस करेंगे जब इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, सेकेंड केस भी मैं ही ले लेता हूँ, वैन इमेज एट इन्फिनिटी। अगर इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बनेगी तो जो u होगा, ठीक है, u जो हमारे पास होगा, सॉरी माइनस, हाँ ठीक है, u जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, यानी हमें f पर प्लेस करना पड़ेगा, u कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, f पर प्लेस करना पड़ेगा, और v माइनस का d हो जाएगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए। ठीक है, सिंपली, तो
क्या हो जाएगा अगर मैं यहां पर प्लेस करता हूं v इज इक्वल टू डी के बराबर, ठीक है। तो यहां से मैग्नीफाइंग पावर इस वाले फॉर्मूले में पुट कर लो तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का d, और u f पर प्लेस करना पड़ेगा तो u माइनस का ही होता है तो इसको माइनस का f लिखेंगे, यानी मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, d बाई f। इमेज अगर इन्फिनिटी पर बनती है तो इसका जो दूसरा नाम है बच्चों, इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट की अगर बात हो रही है तो मैग्नीफाइंग पावर d अपॉन f ली जाएगी, और अगर लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की बात हो रही है तो मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस d अपॉन f लिया जाएगा। क्लियर। अब ये चीजें हम आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए इनको आपको याद रखना है, ठीक है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप मैंने आपको बताया था। थैंक यू सो मच।